नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मीन राशि के अप्रैल 2022 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम अवश्य लिखें। हमारे खुश जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और देखते रहें। डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और ईष्ट भगवान से संबंधित सभी जानकारियां साथ के साथ अंक ज्योतिष की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए शुरुआत करते हैं मीन राशि के राशिफल की। मीन राशि यानी अगर हम बात कर रहे हैं राशि स्वामी की, तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं मीन राशि के राशि स्वामी हैं। तो राशि स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में यानी आपके जन्म के चंद्रमा से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएं चल सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर अपनी मीन राशि में आ जाएंगे। तो मीन राशि के अंदर यानी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस आपका वापस आने वाला है, किसी भी कार्य को करने में आप जो झिझक रहे थे वो झिझक खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र के स्वामी भी हैं, और कार्य क्षेत्र के स्वामी का आपके जन्म के राशि के ऊपर से साथ के साथ में बात करूँ अपने स्थान से चतुर्थ स्थान यानी सुख स्थान के अंदर हो रहा है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर सुख प्राप्त होगा, अच्छी उन्नति के संकेत हैं, धन लाभ भी होगा, क्योंकि धन के स्वामी जो हैं वे मंगलदेव बनते हैं, और मंगलदेव इस माह के शुरुआत से ही लाभ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, वो भी लाभ भाव के स्वामी के साथ में। तो धन लाभ मीन राशि वालों के लिए एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी की, तो शनिदेव लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं और अपनी तीसरी दृष्टि से आपके जन्म के चंद्रमा को देख रहे हैं। शनिदेव भी 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव के अंदर गोचर करना शुरू करेंगे। शनि का जो इस माह में गोचर है वो आपके लिए शुभ है, लाभ के संकेत हैं, इसलिए आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए, भगवान शनि के मंत्रों का जाप भी आपको करना चाहिए। बात करते हैं हम यहाँ पर बिजनेस को लेकर, तो सप्तम भाव में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल से अपनी दृष्टि बना के बैठेंगे। दशमेश का सप्तम भाव से कनेक्शन कहीं ना कहीं बिजनेस में बढ़ावा देने वाला है, अच्छा चेंजेस देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। बात करें बुध देव की, जो कि सप्तमेश हैं और चतुर्थेश हैं, पारिवारिक स्थिति के स्वामी हैं, आपके पार्टनरशिप के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर के स्वामी हैं, तो बुध देव का गोचर मीन राशि से हो रहा है। मीन राशि बुध के लिए नीच की राशि मानी गई है, पर इस माह के मध्य में जो बुध देव हैं वे मेष राशि से गोचर करेंगे, उसके बाद फिर राशि परिवर्तन करेंगे और वृष राशि से गोचर करेंगे। तो बुध के लिए धन भाव में गोचर अच्छा गोचर है, शुभ गोचर है। बुध के गोचर के फलस्वरूप आपको आपके बिजनेस में फायदा होने वाला है, धन लाभ होने वाला है। राहु केतु की बात करें, राहु और केतु भी इस माह में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु देव तृतीय भाव से निकलकर द्वितीय भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके जन्म के चंद्रमा से दूसरा भाव है। राहु का द्वितीय भाव में गोचर पारिवारिक स्थिति के अंदर आपके कुटुंब के अंदर थोड़ी सी परेशानी, असमंजस की स्थिति, या मैं कहूँ कि थोड़ा सी लड़ाई झगड़े भी करवा सकता है। इसलिए आपको, क्योंकि राहु जो है वो एक माया का प्रतीक माना गया है, अगर आप अपने परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो यहाँ आप परेशान रह सकते हैं, इसलिए सरस्वती माता की पूजा अत्यंत शुभ मानी गई है। बात करते हैं यहाँ पर आपके भाग्य को लेकर, तो भाग्य भाव के स्वामी जो बनते हैं वे बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव उच्च के होकर मकर राशि से गोचर कर रहे हैं। मंगल का उच्च के होकर मकर राशि से गोचर शुभ गोचर है, अच्छा गोचर है, भाग्य सपोर्ट करने वाला रहेगा। भाग्य के कारण आप आगे बढ़ेंगे आपके कार्य क्षेत्र में भी। अगर मंगल की बात करें तो भाग्यश होकर ये भी राशि परिवर्तन कर मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। यहाँ पर आप अगर आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर घर से बाहर निकलकर कार्य करने की सोच रहे हैं, अपनी जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, अच्छा समय है, शुभ समय है, आप कर सकते हैं। बात करें यहाँ कॉम्पिटिशंस की, तो सूर्यदेव यहाँ पर छठे भाव के स्वामी हैं, रोग, रिपु और ऋण के स्वामी हैं, कॉम्पिटिशन भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी का
जन्म के चंद्रमा के ऊपर से इस माह के शुरुआत में गोचर हो रहा है। अच्छा गोचर है, शुभ गोचर है। सूर्यदेव आपके मित्र राशि में है। उसके बाद सूर्यदेव जो है वो मेष राशि में उच्च के होकर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी का उच्च के होकर गोचर करना कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस अवश्य दिला रहा है। पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है, परिवार में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बात करें यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी की, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं छोटी छोटी यात्राओं के लिए, पराक्रम के लिए, मेहनत के लिए। तो शुक्रदेव यहाँ पर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय भाव के स्वामी का द्वादश भाव में गोचर यात्रा से संबंध अवश्य दिखाता है। यहाँ पर राहु केतु भी, केतु का परिवर्तन अष्टम भाव के अंदर आ जाएगा। तो जो जो भी जातक रिसर्च से संबंधित हैं या धार्मिक कार्यों के अंदर भी उनकी रुचि बढ़ने वाली है, रिसर्च में भी उनकी जो बहुत टाइम से जो काम अटके हुए थे वे भी पूर्ण होने वाले हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जब अत्यंत शुभ रहने वाला है। बिजनेस में भी आपको धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मानसिक स्थिति से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले से बेहतर होने वाली है। धन्यवाद।